मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। विदर्भ के किसानों की बात की, विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटेलिटी, सरकार की मेंटेलिटी कि भाई यहाँ देखो ये खेती कर रहा है, उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं, ये सबसे जरूरी चीज है, और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं, और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करें। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को, तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की, आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पे प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था, और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था, यूपीए ने एकदम यहाँ पे पैकेज दिया था।